हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ। तो आज है करवा चौथ और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, आइए चौधरी साहब, ये देखिए। तो आप आ चुके हैं आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू। तो आपको कैसा लग रहा है कि आज करवा चौथ है, हमने आपके लिए व्रत रखा है? अच्छा लग रहा है यार। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि कम अच्छा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या गिफ्ट देने वाले हो आज तुम मुझे? तो सरप्राइज होता है। सरप्राइज होता है? नहीं दोगे? देखो इन्होंने मुझे ना अभी तक भी नहीं बताया और मेरे से चीजें पसंद करा ली थी और उनमें से अब देखो क्या आता है क्या नहीं आता है। मुझसे पसंद बहुत कुछ करा लिया। पापा देखो मेरे एक हाथ पे मेहंदी पिन्नी लगी, देखो इस पे लग गई, इस पे लग गई, इस पे नहीं लगी, इस पे मैं अभी जाके लगवाती हूँ। इतना काम है पार्लर पे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। दो दिन कैसा लगा तुम्हें कि मैं तुम्हें मिली नहीं देखने के लिए? पूरे दिन खाना भी नहीं मिला भाई। पता बहुत इतना रश था पार्लर पे, इतना रश था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। फाइनली सब कुछ निपट चुका है और आज का काम और बचा है क्योंकि करवा चौथ आज है, तो आज मेकअप वगैरह है हमारे पास काफी सारे, तो बस आज का काम है। और मैं अभी बिल्कुल नहा कर आई हूँ और जो जल होता है, मतलब मैं पूजा जो है ना वो शाम में करती हूँ, रेडी भी मैं शाम में होती हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं रेडी नहीं हुई और देखो मेरी नेल आर्ट भी नहीं हुई है। मैंने नेल पेंट चेंज करा ली थी बट मेरी नेल आर्ट भी नहीं हुई है। तो यही होता है, जो लोग वर्किंग होते हैं ना उन लोगों के आधे काम रह जाते हैं, है ना, ड्यू हो जाते हैं अगले दिन के लिए। आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने पतियों से कहिए बीवी से बहुत प्यार करें। अच्छा, और जो बीवियां देख रही हैं वो अपने पतियों से बहुत प्यार करें। शाम तक अपनी बीवी को कोई काम ना करने दें। यो भी होता है क्या? तो फिर मेकअप कौन करेगा? मेकअप कौन करेगा? बाय बाय नहीं, मेकअप कौन करेगा बताओ? बीवी को तो कोई काम करने नहीं देना। मेकअप तो लड़कियां करेंगी। अरे लड़कियां करेंगी तो मुझे भी तो करना पड़ेगा। चलो तुम जाके आज मेकअप करो, जाओ। मैं तो देखा बीवियों को काम ना करने दे। और बीवियों के लिए क्या बनाए? खीर बनाओगे ना तुम्हारे? हाँ। खीर बनाने वाले हो? ये मुझे हर करवा चौथ पर खीर बना के खिलाते हैं शाम को। हालांकि हम लोग खाना जो है वो बाहर खाने के लिए जाते हैं। इस बार बाहर खाएंगे, इस बार घर पे खाएंगे? इस बार घर पे बनाओगे? पालक वो बनाओगे, पनीर है ना, तो इस बार घर पे बनने वाला है खाना। इन्होंने मुझे ना ये चीजें बोली हैं कि पूजा इस बार बाहर बिल्कुल नहीं खाना खाने के लिए जाएंगे। खीर तो ये हर साल मेरे लिए बनाते हैं बट खाना जो है वो इस बार ये बना के खिलाएंगे और इनकी हेल्प करेगी इनकी बेटी, है ना, खुशी हेल्प करेगी ना ये रात भर। आ जाओ इधर को, आ जाओ थोड़ा सा और बता जाओ। अरे आ जाओ यार 5 मिनट के लिए। देख ना इतनी सारी अच्छी अच्छी सालियां हैं, वेट कर रही हैं। देखो तुम्हारे जीजू चले गए अपने सामने, यही बहुत है। बट ये जितना भी आते हैं अच्छे ही आते हैं। आ जाओ देखो और बस हंसी खुशी अपना त्योहार मनाइए, बहुत अच्छे से रहिए। गिफ्ट मिले ना मिले इस चीज से कोई मैटर नहीं करता है, मैं आपको बता दूं। वो अपना मन है, बस इसी बहाने से ना अपना ये हस्बैंड वाइफ हंसी मजाक कर लेते हैं। नई हस्बैंड गिफ्ट भी अगर देंगे तो कोई जरूरी थोड़ा ना कि गिफ्ट के लिए ही हम लोग रख रहे हैं, बट क्या मजा आता है ये सारी चीजें करने में ना, एक इंजॉयमेंट होती है बहुत ज्यादा। अपनी फैमिली को खुश रखिए, अपने हस्बैंड को खुश रखिए, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को खुश रखिए। तो मेरा तो मेन यही होता है। और देखिए मैंने ग्रीन कलर की नेल पेंट लगवाई है, इस पर नेल आर्ट नहीं हुई है। अगर पॉसिबल हुआ तो आज नेल आर्ट कराऊंगी और इस वाले हाथ पे मुझे अभी मेहंदी भी लगवानी है। तो यही होता है, जो लोग वर्किंग होते हैं ना, जो लोग जॉब करते हैं या वर्किंग होते हैं, वो लोग मुझे बताना कि हम लोगों के काम ना ऐसे ही होते हैं, त्योहार के अगले दिन तक भी चलते रहते हैं। बट मेरे पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी कुछ अपना कराती रहती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे लिए तो हर दिन त्योहार है। मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ कि अगर कोई त्योहार है तभी हमें कुछ कराना है या अपनी केयर हमें तभी करनी है जब कोई त्योहार है। हमारे लिए हर दिन त्योहार है। पति के लिए ओनली फॉर एक दिन व्रत नहीं रखते हैं हम लोग। पति की लंबी आयु के लिए या हमारा साथ बना रहे दोनों का, इस चीज के लिए हम डेली प्रेयर करते हैं। तो ये तो चलिए एक बहाना है कि हम लोग व्रत रख रहे हैं, आज करवा चौथ है तो उस पर व्रत रख रहे हैं। तो इसलिए रख रहे हैं कि हमारे हस्बैंड जो है उनकी बहुत लंबी आयु रहे, हष्ट पुष्ट रहे, बिल्कुल बिल्कुल रहे। और ये चीज तो हम हर पूरे साल, जितने सालों से भी हम लोगों की शादी हुई है तब से हम ये चीज तो करते ही रहते हैं ना। हम लोग प्रेयर तो अंदर अंदर करते रहते हैं, हमारे बच्चों को कुछ ना हो, हमारे हस्बैंड को कुछ ना हो, हमें कुछ ना हो, हमारे घर को कुछ ना हो, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। तो हर छोटे से छोटे मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, हर छोटे से छोटे फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। और अब दीपावली आएगी तो उसको भी एंजॉय कीजिए। मेरा सोचो इस बार इतना सारा काम बाकी रह गया और मुझे जुकाम हो गई आज, और मैं दवाई भी नहीं खा सकती हूँ आज तो क्योंकि मुझे जुकाम हो गई है। फिर भी मैं दवाई नहीं खाऊंगी क्योंकि व्रत है। बट फिर भी ना आप मेरे फेस से देखो कि मैं कितनी खुश हूँ। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ नीचे। मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और जो भी तैयारी मैं शाम में करूंगी मैं शाम में ही करती हूँ। करवा चौथ का जितना भी तैयारी करती हूँ मैं, जितनी भी अच्छे से रेडी होंगी, साड़ी पहनूंगी, जो भी मैंने कपड़े रेडी कराए हैं वो कपड़े पहनने हैं,
तो वो सारा कुछ ना मैं शाम में ही करती हूँ, मैं दिन में कुछ नहीं करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि मैं अब तैयार हो गई हूँ, मैंने अपने मंदिर में जो भी करवा वगैरह में पानी भर के जो रखना होता है वो करके रख दिया है। जो कथा है वो भी मैं शाम को पढ़ती हूँ जब मैं तैयार हो जाती हूँ, और जब मैं जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ उससे थोड़ी देर पहले करती हूँ मैं ये। तो और मुझे किसी ने कभी कुछ बताया नहीं कि किस तरीके से होता है, तो मैं अपने स्टाइल से करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब किसी को कॉपी कर रही हूँ या क्या, जो मुझे सही लगता है मैं वो करती हूँ। और फिर हम लोग जाते थे हर साल शाम को बाहर खाना खाने के लिए, बट हम आज नहीं जाएंगे आज, क्योंकि यश ने प्रॉमिस किया है कि आज वो घर पे ही बनाएंगे जो भी बनाएंगे। तो बस ये सब कुछ चल रहा है, और अब मैं जाकर पार्लर में और पार्लर का देखती हूँ। और मैं चाय पीती हूँ थोड़ी सी ना, मैं दो बार चाय पीऊँगी क्योंकि उसके बगैर नहीं होता है गुजारा। तो अभी बस मैं नहा ली हूँ, और जो भी मुझे करना था हाथ वाथ जोड़ लिया है मैंने मंदिर में, बस जो भी मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। अब उसके बाद मैं अब चाय पी के, और उसके बाद मैं अपने पूरा दिन अपने पार्लर को टाइम दूंगी। शाम को फिर आके रेडी होंगी, पहले मैं उन लोगों को रेडी करूंगी और उसके बाद मैं खुद रेडी होंगी, और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे रेडी हो रही हूँ, कैसे जाएंगे हम लोग जलवल चढ़ा के आएंगे ऊपर, चांद को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद क्या क्या हम लोग बनाने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग अपना करवा चौथ मनाने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगता है, और जो लोग भी मेरे साथ नए जुड़े हैं मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि हैप्पी करवा चौथ। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिए यार, वीडियो को लाइक करते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है, फिर अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। और अब क्या है, अब ये करवा चौथ का काम भी खत्म हो गया है, तो डेली आप लोगों को ब्लॉग मिलेंगे, तो क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो चलिए कोई नहीं, आप लोगों ने तब भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, काफ़ी प्यार दिया है मुझे, और इस चीज़ को समझा है कि बिल्कुल वर्किंग लोगों के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ये। बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ, मतलब मैंने किस तरीके से अपना पार्लर स्टार्ट किया था, किस तरीके से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, वो वीडियो मैं अलग से सेपरेट ओनली फॉर बोलने बोलने की बनाऊंगी, उसमें मैं कुछ और शेयर नहीं करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या किस किस तरीके से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की थी, क्या प्रॉब्लम मुझे आई और क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस की, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि काफ़ी लोग यूट्यूब पे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को हेल्प हो इस चीज़ की, क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत अफवाहें हैं कि ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं होता है गाइज। मैं आप लोगों के साथ में अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगी, और मैंने कैसे अपना पार्लर स्टार्ट किया था वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-4 दिन लग जाएंगे वीडियो आने में, बट वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आएंगी। तो चलिए चलते हैं नीचे। एक हथेली पे रह गई थी, बाकी सारे में लग गई थी कल, बट ये वाली रह गई थी, मैंने सोचा कि चलिए लगवा लेती हूँ। तो अभी सुबह सुबह में लगवाई है, इसी तरीके से टाइम पास होगा आज, और बाकी पार्लर में जो काम चल रहा है उसको देख देख के अच्छा लग रहा है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है आज पूरे दिन, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो हम लोग जो वर्किंग होते हैं ना, उन लोगों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि उन लोगों के काम रह जाते हैं, एंड तक भी नहीं होते। तो चलता है, मैं शाम को अच्छे से तैयार होंगी, साड़ी वाड़ी पहनूंगी, और जब तक मेरी मेहंदी ये सूख जाएगी और इसको मैं हटा दूंगी, फिर इसका कलर जो आएगा ना कल आएगा। डिज़ाइन कितना प्यारा है ना, देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है, फिंगर कितनी प्यारी लग रही है, वाह।
तो ये मेरे पार्लर का एक स्टाफ है, उन्हीं ने लगाई है, बहुत सुंदर मेहंदी लगाते हैं मेरे बच्चे पार्लर के। क्या चल रही है तैयारी, मैं करा रही हूँ अपने बालों में स्ट्रेटनिंग, और अभी तो ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, 2 बजे हैं आई थिंक अभी, और मैंने सोचा कि चलिए पहले ही करा लेती हूँ क्योंकि फिर हमारे पास मेकअप है तो उन लोगों को मेकअप भी करना पड़ेगा। और ये हट रही है मेरे हाथ की मेहंदी, मैं इसको पानी से नहीं धुलूंगी, मैं इसको वैसे ही हटवा रही हूँ बस, देखो ऐसे। तो ये ना फिर कलर बहुत अच्छा देगी, क्योंकि सूखने के बाद ना वैसे भी झड़ने लगती है, तो इससे बढ़िया है कि अपना हटवा लो उसको, झाड़ दो एक ही बार, फिर वो बार बार ना कपड़ों पे परेशान नहीं करती है, और अब स्ट्रेटनिंग हो जाएगी थोड़ी देर में उसके बाद। और हम लोग देख रहे हैं कौन सी फिल्म आ रही है, विवाह, हम लोग देख रहे हैं विवाह, कई बार देख चुकी हूँ मैं, लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी लगती है, ये फिल्म ना हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग सब इस फिल्म को देख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी मेहंदी हमारे पार्लर पर लगी, और बहुत काम था मेहंदी का, तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो मेरे कस्टमर थे उनके हाथों पैरों पर हम लोगों ने लगाई, और काफ़ी अच्छी मेहंदी लग रही थी। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसे लगे हमारे मेहंदी के डिज़ाइन, और पार्लर में काफ़ी भीड़ भाड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। 2-3 दिन कैसे निकल गए बिल्कुल भी पता नहीं चला, मेरे पार्लर पर लगभग लगभग 1 हफ्ते से काफ़ी काम था,
तो ये जो पूरा टाइम था ये कैसे चला गया बिल्कुल भी पता नहीं चला, और आज देखिए करवा चौथ भी हो गई है, और ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी क्योंकि मैंने आपके साथ में आज का ये सब कुछ शेयर कर दिया है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने जो पूजा वगैरह मैं जिस तरीके से करती हूँ वो सारी चीज़ें, वो वीडियो मैं बिल्कुल अलग से लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो बस यही सब कुछ चल रहा है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलती हूँ अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी।